हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी। मैं हूं नीलम। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूं बहुत इंटरेस्टिंग जो सैलड डेकोरेशन है, खासतौर से स्कूल कंपटीशन के लिए, क्योंकि इस वीक मैं आपके साथ स्कूल कंपटीशन सैलड डेकोरेशन ही शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं कि मैं आपके लिए अच्छे से डेकोरेशन। तो आज आपके साथ जो डेकोरेशन मैं शेयर करने जा रही हूँ क्रैब का डेकोरेशन है। क्रैब बना रही हूँ आज मैं कि आसानी से आप स्कूल में कैसे बना सकती हैं। तो इसके लिए मैंने आपने देखा कि सर्कल सर्कल मैंने कटिंग कर लिए हैं यहाँ पे कैरेट को, और यहाँ पे मैं कैरेट और कुकुम्बर से डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों आपको सब्जियाँ जो है वो नहीं लगानी है। तो इस तरह आपको सर्कल सर्कल शेप में इस तरह बिल्कुल डेकोरेट कर लेना है कैरेट को, क्योंकि यहाँ पे कुकुम्बर मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि कुकुम्बर लाइट कलर का होता है, तो ये फिनिशिंग लुक नहीं आएगा इसका। तो इसलिए यहाँ पे मैं कैरेट से इसको डेकोरेट कर ले रही हूँ। अब इसके पैर बनाएंगे और आंखें बनाएंगे, जिस तरह देखिए किस तरह बनाएंगे। तो बाकी चीज़ें हम बनाएंगे किस चीज़ से, तो बाकी चीज़ें हम बनाएंगे कुकुम्बर से, क्योंकि इसकी बॉडी तो ऑलरेडी बन गई आपको कैरेट से। तो इसके लिए कुकुम्बर लेंगे और इसको पहले स्लाइसेस स्लाइसेस कट करेंगे। ये देखिए, इसे इसकी आंखें बनाएंगे। ये देखिए सेम डिज़ाइन करना है, आप देख सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन करना है। और इस तरह कुकुम्बर का पतला सा रैपर निकालेंगे और इसको और भी पतले पतले कटिंग कर लेंगे इस तरह। फिनिशिंग होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है ये बनाना, बहुत आसानी से आप बना सकती हैं। ये देखिए, तो इस तरह हम कटिंग कर लेंगे, दोनों एक साइज़ के होने चाहिए, और यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह। ये देखिए, अब यहाँ पे इसके पैर बनाएंगे। आंखों पे मैं यहाँ पे एक लेयर और लगा दे रही हूँ जिससे कि फिनिशिंग आई लुक है, जिसे समझ में आए कि आई कैसे हम बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कट करेंगे और उसके पैर बनाने के लिए देखिए कुकुम्बर को मैंने कट किया, और उसका ये पतला वाला हिस्सा जो होता है बिना सीट के वो हम बाहर कर लेंगे और इस तरह पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेंगे। ये देखिए स्लाइसेस कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और बनाना है, जो कि उसके हैंड में एक निकुला बहुत शार्प होता है, तो उसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए ये कैरेट मैंने कट कर लिया और यहाँ पे ट्रायंगल शेप कट करके बाहर मैंने निकाल दिया है। ये देखिए, और इसको अब यहाँ पे हम शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, तो इस टाइप का आप देखने से आपको याद आ रहा होगा कि इस टाइप का होता है। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेंगे फिनिशिंग लुक, क्योंकि ये आई के पास होता है। और इसको अब इसके जो मैंने पतले पतले स्लाइसेस कुकुम्बर के कट किए थे उससे इसके हम पैर डेकोरेट कर लेंगे। तो ये देखिए, पतले पतले से थोड़े से राउंड राउंड शेप करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करते हुए, ये देखिए फोर लेग मैंने इधर लगाया, फोर लेग उधर, मैंने एट लेग लगाया है इसका। तो ये आपका जो क्रैब है बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे इसकी स्माइली बनाएंगे, जिससे कि ये जो है बहुत सुंदर लगे, ब्यूटीफुल लगे। तो यहाँ पे कुकुम्बर से ही इसकी स्माइली बनाएंगे, और अगर आप चाहे तो आपके पास कोई और वेजिटेबल हो तो उससे भी बना सकती हैं, बट वो डार्क होना चाहिए, कलर थोड़ा अलग होना चाहिए, दिखना चाहिए, क्योंकि टोमेटो वगैरह से तो बिल्कुल नहीं बनेगा, इसे हमें पतला सा स्लाइसेस बनाना है। तो और अगर आप कैबेज से बनाती हैं तो वो भी नहीं दिखेगा। तो ये देखिए आपका क्रैब बन के बिल्कुल तैयार है। आपको ये डेकोरेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए किसी और यूनिक डेकोरेशन के साथ फिर मिलते हैं।